विक्रम भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। हाँ भाई, सब ठीक तो है? मैं तो आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, चल बता क्या बात हुई। चंदन के गेहूँ काटे थे। तो फिर? चार मन को तय हुए है, कुल दो मन दिए है, दो मन नहीं दिए। अच्छा, तो यो बात है भैया, आप ही दिलवा दो, मजदूर आदमी है। अच्छा चल, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं दे रहा, चला मेरे साथ आ। चलो जी। चंदन, ओ चंदन, रे चंदन, ओ चंदन, बोले भी क्या बात है? अरे इधर आइए। हाँ बोल, क्या बात है? क्या बात है? अरे तू इसकी गेहूं कैसा ना दे रहा? इसके गेहूं दे तुझे, इसके गेहूं दो मन नहीं तो दिए, चार मन की क्या, दो मन गेहूं और दो। जब चार मन तय हुए थे तो दो देखे, दो और क्यों नहीं दे रहा? अबे तो इतने तो काट देते ना। ऐसा है जो देना दे दिया, अब तू जाते प्रधान मत बनना। अरे मैं प्रधान नहीं बन रहा, जब चार मन तय हुए थे तो दो दे के दो और क्यों नहीं दे रहा? अरे तू जबान संभाल के बोल। अच्छा तो तू गरीब आदमी के साथ बेईमान नहीं करेगा? मैं बेईमान मानना? बेईमान तो तू है ही, जब चार मन तय हुए दो दे रहा दो नहीं दे रहा, तो बेईमान ना हो जाओ, दो मन और दे इसके। विक्रम ये तू ठीक ना कर रहा, तुझे महंगा पड़ेगा। अरे ओए तू ऐसा ना माने, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। ले भाई ये रे तेरे दो मन के पैसे। वही वाह, मजे आ गए। अल्ले बाकी तेरे पैसे रख इसे, अब हो गया हिसाब, समझ गया? तुझे महंगा पड़ेगा ये। हाँ हाँ, वैसे भी मैं सस्ती चीज ना खरीदता, समझ गया? महंगा पड़ेगा तो देख लेंगे, जा कर लिए जो करेगा। चल भाई चल। साला महंगी सस्ती समझा रहा हमें, फिर कभी तंग करे ना, बता दिए मुझे, ठीक कर दूंगा साले। ठीक है भैया, बता दूंगा। ठाकुर साहब है क्या? वो बैठे ना ठाकुर साहब, चलो चल। राम राम। हाँ भाई क्या बात है? छोटे भाई विक्रम को समझा कर रखियो। क्या हुआ? उसने मेरे गिरवान पर हाथ डाला। ये बात ठाकुर साहब अच्छी तरह समझा दी हुई। हाँ हाँ समझा लेंगे, पर तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? साफ साफ क्यों ना बताता है क्या बात है? ज्यादा प्रधान बनना हो, लोगों के फैसले करता फिर वो। ठाकुर साहब इतनी गर्मी सही ना। अरे वो प्रधान बनना या प्रधानमंत्री, पर तू एकली बेकली क्यों गा रहा है? साफ साफ क्यों ना बताता है क्या बात है? इतनी पढ़ाई ठीक ना होती है, मैंने जो कहना कह दिया, और हाँ ये बात मैं भूलने का ना हूँ। है भाई एक बात बता, तू ये एकली बेकली क्यों गा रहा है? साफ साफ क्यों ना बताता है कि बात क्या है? हम किस मजदूर को क्या देंगे, यू हम जाने, वो हमारे बीच में ना हुआ। चल बे चल। हाँ हाँ समझा देंगे, देख ली तू भी, मैं जाता फिर। अरे विक्रम यहाँ क्या? हाँ भैया अभी आया। हाँ जी। हाँ जी के बच्चे, तनफ चंदन का गृहमान क्यों पकड़ा? भैया वो क्या है ना, वो उस मजदूर को पैसे ही नहीं दे रहा था, मैंने कहा तो मुझे भी मना करने लगा। तो तू उससे गुत गया? भैया दूसरे की फटी में टांग ना आया करते हैं। अरे ये कोई तरीका हमें बताता, हम समझा देते। भैया वो मैंने भी समझाया था, पर वो माना ही नहीं, बस चौड़ा हो गया, बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसका गिरेवान पकड़ लिया और पैसे निकाल के उस मजदूर को दे दिए। अरे ऐसे नहीं करा करते हैं, अरे गांव है, समाज है, मैं हूँ, मुझसे बता देता, निपटा लेते हम अपने तरीके से। बात सुन, आइंदा ऐसा मत करिए, ठीक है ना? ठीक है भैया। मुँह हाथ धो ले, रोटी खा ली। ठीक है भैया। हाँ आइंदा शिकायत नहीं आनी चाहिए ऐसी। चाय भी गई ही, चाय ना बनी अभी तक। आजी, चाय। जल्दी ले आया करो, आधा घंटा हो गया। अजी मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। पहले चाय पी लूँ।
अब बता क्या बात। जी मैं कह रही। हाँ क्या कह रही थी? विक्रम देवर से कह के सामान मंगवा लो, हम खेतों में काम कर लेंगे जाके। गेहूं की कटाई आ रही है, हम घर का कर ले कर आई। अरे ये क्यों ना कहती है कि दौरा नहीं किया आ रही है? हाँ जी यार क्यों ना आएगी, है तो अपनी ही। हाँ बात सही कह रही है, मैं अभी विक्रम को बुलाऊंगा। हाँ बुलवा लो। विक्रम जी भैया। अरे हाँ बुआ भैया। हाँ भैया ठीक है भैया, ऐसा मैं कल चला जाऊंगा। कल ना तू अभी जाओ कल। ठीक है अभी चला जाता हूँ। ध्यान से लिए और ध्यान से लिए बहू को। ठीक है भैया। ठीक है। अरे बात सुन, काली शर्ट को पहन के मत जिए, बदल के लिए। ठीक है भैया। ठीक हाँ, और ध्यान से लिए बहू को। ठीक है भैया। हाँ तेज मत चलिए भाई बिल्कुल भी। ठीक है भैया। ठीक। हाँ अच्छा ठीक है भैया। ठीक है देवर जी, ले आओ जाके। ठीक है भाभी जाता हूँ। अब तक कुछ है राम राम जी। राम राम जी। आओ जी आओ बैठो। और ठीक ठाक हो? हाँ जी हाँ मैं तो ठीक हूँ। घर में सब ठीक ठाक है? हाँ जी घर में सब ठीक ठाक है। और सुनाओ जी काम धंधा क्या चल रहा है? हाँ जी काम धंधा सब ठीक ठाक चल रहा है। सुमन मेहमान आए, चाय पानी ले आई हो? और सुनाओ जी। और सब ठीक है जी। वो क्या है ना, भैया ने कहा आप तो जानते हैं कटाई वटाई चल रही, काम ज्यादा है, उन्होंने कहा सुमन को ले आओ, तो इसलिए मैं सुमन को लेने आया हूँ। सुमन बेटा पानी ले लीजिए जरा। चाय बना दो बेटा, यहाँ तो बहुत गर्मी है जी। आप एक काम करो अंदर जाके आराम कर लो, इतने सुमन भी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ भैया बैठ। बेटा थोड़ा सा ध्यान से जाना। अच्छा जी राम राम। अच्छा जी राम राम। चल भाई उधर चला जा। आ गए भाई? हाँ भैया आ गए। जीते रहो जीते रहो। सब ठीक ठाक है? हाँ भैया ठीक ठाक। ठीक है तू भी आराम कर, थक गया होगा। ठीक है भैया। लो जी दूध पी लो। ठीक ठाक है? टाइम पास हो रहा था? नहीं हो रहा था। ठीक है तू? काफी रात हो गई है, चल सो जा। इस विक्रम को तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, इसके बड़े भैया को भी।
देख मैं क्या करता हूं। सुमन बिटिया ठीक है जी। और ये आपके गांव में प्रधानी का कैसे चल रहा है? देखो जी, चुनाव नाव में हमारा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। राम राम जी, राम राम जी, आओ जी आओ, बैठो जी। चाय मंगाऊं? अजी नहीं, शुक्रिया। और जी कहाँ से आ रहे हो? हम सदरपुर से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिटिया के ससुराल से आ रहे हैं आप? हाँ जी। कैसे हैं वहाँ पर सब? वैसे तो सब ठीक हैं, पर एक कुछ छोड़ के। अच्छा, क्या बताएं? आपकी बिटिया ठीक नहीं है वहाँ पर। वो कैसे जी? नौकरानी से भी बदतर जिंदगी है उसकी। अरे भाई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। अरे रविंदर भाई, अब बताएगा कौन? ससुराल वाले जो बेटी की ससुराल वाले जो होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। आजकल सीधी उंगली से कहीं घी निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है तब घी निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं देखता हूँ। देखिए, हमने जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका, तभी बिटिया सुख पाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। राम राम जी, राम राम। मानव जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे किसी भी तरह सुमन को ससुराल से वापस लाना पड़ेगा। ऐसा है ठाकुर साहब, पड़ोस में शादी है जी। शादी के बाद सुमन को मैं खुद छोड़ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे सुविधा हो वैसे देख लीजिए, ठीक है ना? अच्छा जी, राम राम जी। राम राम, जीते रहो जीते रहो। अरे देखभाल के जाइए। पापा से गलत बोल के ले तो आई, गलत तो ना होगा? नहीं, तू चिंता ना कर, मैं बंटवारे करवा के ही रहूंगा। पापा, कुछ गलत तो नहीं होगा? तू घबरा मत, मैं देख लूंगा, तू अंदर जा। महीना हो गया, सुमन नहीं आई, जबकि रविंद्र जी कह रहे थे शादी खत्म होते ही मैं खुद छोड़ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हम दोनों कल वहां जाना चाहिए। घबराहट हो रही है, कुछ गलत तो नहीं होगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, जो मैं करूंगा सही करूंगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आओ जी, बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। देखो जी, मैं ये कहने आया हूँ कि आप सुमन को भेज दो। देखो जी, जब तक आप सुमन को अलग नहीं कर दोगे, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। देखो जी, वो तुम्हारी बेटी है तो मेरी छोटी बहन भी है, मैं उसे किसी तरह की परेशानी ना आने दूंगी, ना किसी काम से हाथ लगा दूंगा, खुद करूंगी, पर तुम हमारा घर मत बदलो। सही कह रही है, अब मैं भी गारंटी ले रहा हूँ, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होने की, हम दोनों परिवारों की इसी में भलाई है। देखो जी, मेरी बेटी की किस्मत भलाई है ये केवल मैं जानता हूँ। हमारी बात समझो, क्यों हमारे घर के दो दरवाजे करवाओ? जो मैंने कहना था कह दिया। ठीक है भाई, जो समझाना था हमने समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। चाय भाई तो ले लो, चाय पीने वाला काम तो करो। चलो भाई।
घर में शांति रखने का एक ही रास्ता है, और वो है बंटवारा। लेकिन 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 विक्रम नहीं मानी, वो कभी मेरे से अलग नहीं हो सकता। हाँ हाँ मनाना होगा, किसी भी कीमत पे मनाना होगा विक्रम को। भैया, अरे विक्रम, क्या बात है? अरे नहीं कोई बात नहीं है। कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है विक्रम। कुछ बात तो है, मुझे ऐसा क्यों लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे बात ये है विक्रम कि अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब न्यारा साझा हो जाना चाहिए, अब मुझ पे तेरा बोझ नहीं सहा जाता है। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आपको कब से बोझ लगने लगा भैया? और ये न्यारे साझे वाली बात, आखिर आपको हो क्या गया भैया? अरे विक्रम, कभी ना कभी तो न्यारा होना ही है। फिर वही बात भैया, आपने सोच कैसे लिया आपका विक्रम आपसे अलग रह सकता है? भैया बोला नहीं हूं मैं, आज भी मुझे याद है चंबरते वक्त मेरी बात, मुझे तुम्हारी गोद में छोड़ के गई, 5 साल का था मैं भैया, और तुमने माँ बाप दोनों का फर्जी खट्टा निभाया, क्या नहीं किया आपने मेरे लिए। अरे कोई सगा बाप भी नहीं कर सकता, आपने मेरे लिए किया। और मैं तो ये भी जानता हूँ तुमने दूसरी शादी इसलिए की ताकि मेरी परवरिश में कोई कमी न रह जाए, और क्या मैं ये नहीं जानता आपने औलाद इसलिए पैदा नहीं की ताकि मेरे दुलार में कोई कमी न रह जाए, औलाद से बढ़कर पाला आपने मुझे, और आज तुम मुझे कह रहे हो अलग हो जा। नहीं, आप सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते, जरूर आपका मजबूर किया किसी ने ऐसा कहने के लिए। तुम्हें मेरी कसम है भैया, बताओ आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? देखो भैया, तुम्हें अपनी कसम दी है ना, बताओ। नहीं मानता तो सुन, ये जो तेरा ससुर है ना, मैं सब समझ गया भैया। देख देख, तू कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लीजिए। अब आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अरे बात तो सुन, मैं जानता था कि विक्रम को पता लगेगा तो चुप नहीं बैठेगा। सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है लेकिन मेरा विक्रम मुझे नहीं छोड़ सकता। पता नहीं अब क्या करेगा ये भगवान, अब तुम ही देखना। नहीं, आप बैठो। और आप क्या कह रहे थे, जब तक अलग नहीं हो जाओगे तब तक अपनी बेटी को नहीं भेजोगे? तो कान खोल के सुन लो मेरी बात, मैं कभी भी अपने भाई से बंटवारा नहीं करूंगा। रही बात तुम्हारी बेटी की, तो रखो अपने पास जब तक तुम्हारा दिल करे, अगर तुम्हारे दिल में आए तो भेज दियो, लेकिन मैं अलग नहीं हूंगा, समझ गए? देख लो जी, आपके सामने की ही बात है। हमारी तो बात भी नहीं सुनी। पापा वो बहुत जिद्दी हैं, मैंने कहा ना आपसे वो नहीं मानेंगे, चले गए ना। कहीं मैंने अपनी सुमन बेटी के लिए कुछ गलत कमेंट कर दिया? करता रहूं बाबूजी, चल हो जाते ठीक से। अरे विक्रम को बुला के लाया ना। कर रहा तो ऐसे कुछ हो जाते हो जाते हैं। अरे रो रहा ना कैसे भी, करता रहूं बाबूजी, कर रहा ऐसे कुछ। करता रहा हूँ, कर रहा तू, करता रहा हूँ।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है चंद्र, क्या बात, क्यों भाई क्यों मार रहा है सर? अच्छा मार रहा हूँ। तू बोल कैसे रहा है? सही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा इतनी ऊंची आवाज? ओ बुड्ढे ये सफेदी है ना, एक एक मिनट में झड़ जाएगी। अपने काम का विक्रम भैया, विक्रम भैया आपके पीछे चंदन ने ना बड़े भैया की बहुत बेइज्जती करी। अच्छा उस साले की इतनी हिम्मत, आज वो साला जिंदा नहीं बचेगा। क्या बोला मेरे भाई को? साढ़े धक्का देगा तू, तुझे साढ़े अभी खत्म करूंगा। आजा, मर गया। बताता हूँ। अब बोल साढ़े। मेरे भाई को गाली देगा तू? मेरे भाई को बोलेगा? 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 बोल, अब बोल के दिखा। अरे विक्रम, अरे क्या मार मार के छोड़ेगा ऐसे? चल हटा हटा हटा, अरे हटा 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 हट हट। नहीं भैया साले खत्म कर दूंगा आज मैं। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। पहले कहना माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे बस बस माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। भाई बात उठागा साले, ना मुझे जान से मार दूंगा। अब आइंदा से कैसे किसी के साथ नाइंसाफी मत कर दीजिए। अब नहीं करूंगा, हैं? अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। चला जा, चला जा बस में, चले जा। अरे मर गया। ठाकुर साहब अब माफ कर दो, दूसरों के बहकावे में आके हम अपनी बेटी का घर तोड़ने जा रहे हैं। ठाकुर साहब ये बच्चे हैं, नादान हैं, ना समझ हैं। ये हमसे गलती हो रही, आगे से ये गलती नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। देखो ये मुट्ठी जो है ना तभी मजबूत है जबकि ये पांचों उंगलियां साथ साथ। हाँ जी अब सही है ना। हाँ और कभी किसी के घर को तोड़ने की कोशिश मत करो, जोड़ने की कोशिश। बेटी है, बेटी के भविष्य के लिए कभी भी ऐसे फैसले मत लो कि उसका भविष्य ही खराब हो जाए। आपकी सब बात मेरी समझ में आ रही है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मेरी क्या समझ में आ गई, मेरा विक्रम भैया है। मैं तो कहता हूँ भगवान हर किसी को ऐसा भैया दे। ये बात ये बहुत अच्छा लगा। ये हमारे माँ बाप के संस्कार हैं कि जो इसने इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा साथ दिया। मैं कह रहा हूँ भगवान से आशा करता हूँ कि ऐसे संस्कार सभी बच्चों को। हाँ ताकि हर घर में खुशी हो, सब लोग एक साथ एकजुट होके रहें, सब घर में अमन चैन। ठीक है ना? हाँ जी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी जी। हाँ और सुनो अब तुम दोनों के बीच में जो ये 36 का आंकड़ा है ना खत्म करो, चलो हाथ मिलाओ। अरे हाथ मिला मैं कह रहा हूं ना, चलो बड़े हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ऐशावार खुशी रहो, खुश रहो, खुश रहो, हर घर में ऐसी ही खुशहाली होनी चाहिए। ठीक है आइंदा कभी भी किसी की बातों में मत आना, तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल तुम्हारा पति ही सब कुछ है। ठीक है क्या बात जी, मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है आशा जी, आशा जी नमस्ते।